हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों दोस्तों गल्फ नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जो मैं वैकेंसी बताने वाला हूँ वो आपका दुबई में अबू धाबी एक जगह है वहाँ का वैकेंसी है, और ये जो ऑफशोर का प्रोजेक्ट है और इसमें जो है बहुत सारे वैकेंसी आई हुई है। आप यहाँ पे ऑफिस में जाके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो या फिर मेल करके आप डायरेक्ट जो है अप्लाई आप कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे इंजीनियर के लिए, सुपरवाइजर के लिए एंड टेक्नीशियन के लिए बहुत सारे वैकेंसी है। सिविल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो इंटरव्यू है वो अगले महीने होने वाला है, और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके आप गल्फ नौकरी ग्रुप में ऐड होके आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस का एड्रेस वगैरह लेके आप वहाँ पर जाके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है अबू धाबी क्या है, और ये मैं आपको बता दूं किस किस चीज़ का इंटरव्यू है। तो पहला है दोस्तों प्लम्बर के लिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्लम्बर का, अगर आपने कहीं काम किया है तो आप प्लम्बर में आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा जो है दोस्तों वो है मैकेनिकल टेक्नीशियन का, अगर आपके पास मैकेनिकल टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस है आप मैकेनिकल टेक्नीशियन में भी इंटरव्यू दे सकते हो, अगर उसका आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो। उसके बाद है दोस्तों हाउसिंग क्लर्क का। ओके, हाउसिंग क्लर्क, क्लर्क डिपार्टमेंट में, अगर आपका हाउसिंग में क्लर्क डिपार्टमेंट में अगर आपका नॉलेज है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आप उसमें भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों एसी टेक्नीशियन का, अगर आपके पास दोस्तों एसी टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस है, आपने एसी टेक्नीशियन में काम कर रखा है तो आप यहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल पासपोर्ट एंड आपका एक्सपीरियंस लेटर एंड आपका जो भी पढ़ाई आपने किया है उसका सर्टिफिकेट एंड आपके पास जो है सीवी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये सब चार चीज़ों लेके आप जाएंगे तो ही आपको इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा, तो भी आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। ओके, उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का भी इंटरव्यू है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और उसके बाद आपको नॉलेज है एसी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का, आप उसमें जाके इंटरव्यू दे सकते हो एसी टेक्नीशियन में, सॉरी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में। उसके बाद दोस्तों पेंटर का, अगर आपके पास पेंटर का एक्सपीरियंस है, आपने कहीं भी पेंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया है एज ए पेंटर, आपके पास पेंटर का एक्सपीरियंस है, आप इसमें जाके इंटरव्यू दे सकते हो एज ए पेंटर। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है दोस्तों ग्रेड सुपरवाइजर का, अगर आपके पास ग्रेड सॉरी लॉन्ड्री सुपरवाइजर का, अगर आपके पास लॉन्ड्री सुपर लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लॉन्ड्री सुपरवाइजर में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों ग्रेड मैनेजर का, ग्रेड मैनेजर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आप इसमें जाके अप्लाई आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बताओ कि इसमें जो है सब पोस्टों पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, और दोस्तों अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तो था अबू धाबी का, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सऊदी अरब के लिए, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो सऊदी अरब में भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसका भी इंटरव्यू जो है, इसका इंटरव्यू मैं आपको बता दूँ दोस्तों सीवी सिलेक्शन है एंड आपका अगर सीवी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है या फिर आपको उसको कंपनी को लगता है कि आपका सिलेक्ट होना है तो आपसे वो स्काइप इंटरव्यू भी ले सकता है। तो इसमें दोस्तों है कि प्रोसेस इंजीनियर का है, पहला पोस्ट जो है वो है प्रोसेस इंजीनियर का, और ये जो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ऑयल एंड गैस फील्ड का जो है, ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का ये काम है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रोसेस इंजीनियर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप इसमें प्रोसेस इंजीनियर एज ए इंटरव्यू आप दे सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ सीवी मेल करना पड़ेगा, वो मैं आपको मेल आईडी वगैरह सब चीज़ बता दूंगा। उसके बाद है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर का, अगर आपने बीटेक किया है मैकेनिकल से, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इंजीनियर का एज ए इंजीनियर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सिविल इंजीनियर का, अगर आपने सिविल से इंजीनियरिंग किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है सिविल इंजीनियर का, तो आप इसमें एज ए सिविल इंजीनियर आप इंटरव्यू दे सकते हो, सॉरी आप अपना जो है सीवी भेज सकते हो। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद मे बी आपका जो है स्काइप इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको उसमें कहीं जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सीवी मेल करना है। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों डिपार्टमेंट का जो है इंजीनियर का वैकेंसी है, तो यह है सिविल इंजीनियर का, अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है इंजीनियरिंग से
इलेक्ट्रिकल से, तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस डिजाइनर का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का, अगर आप प्रोसेस डिजाइनर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एज अ प्रोसेस डिजाइनर आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों मैकेनिकल डिजाइनर का, अगर आपके पास डिजाइनिंग डिपार्टमेंट मैकेनिकल में, अगर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप मैकेनिकल डिजाइनर में आप जो है अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी पोस्टों के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो एंड आपके पास एक्सपीरियंस लेटर हो एंड आपके पास अपडेटेड सीवी हो जिसमें कि आपका ये शो हो कि हाँ आपने जो है इस पोस्ट पे काम कर रखा है। उसके बाद है दोस्तों सिविल डिजाइनर का, सिविल डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में अगर डिजाइनर में आपका एक्सपीरियंस है, आप एज अ डिजाइनर सिविल डिजाइनर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों है इंस्ट्रूमेंट डिजाइनर, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपके पास डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है तो आप एज अ इंस्ट्रूमेंट डिजाइनर आप जो है इसमें जो है आप सीवी सेंड कर सकते हो। आपका अगर शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको जो है स्काइप इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिजाइनर का, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर डिजाइनर एज अ डिजाइनर आपने अगर काम कर रखा है तो आप इलेक्ट्रिकल डिजाइनर में आप जॉब कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा आज का वैकेंसी सऊदी अरब के लिए, और उससे पहले जो मैं बताया था वो था अबू धाबी के लिए। ओके, आप इस दोनों में से आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो आप मेरे को कमेंट करो कि आप अपना पोस्ट का नाम लिखना कि मैं इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ और इस कंट्री के लिए, तब मैं जाके आपको उस कंट्री के लिए, क्योंकि इसके इंटरव्यू जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑफिस में है, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ का एड्रेस दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। ओके, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी जाओ तो आपको जो है सिलेक्शन के बाद आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, जब आपका वीजा आ जाएगा तब जाके आपको ऑफिस चार्ज पे करना है, चाहे आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाओ। ओके दोस्तों, और जो ऑफिस का रूल एंड रेगुलेशन होगा वो आपको फॉलो करना होगा। ओके, तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप जल्दी से कमेंट करो, या फिर आप कमेंट नहीं कर सकते हो अगर उसमें आप कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन आप नहीं पूछ पा रहे हो सही से, तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप लिंक देता हूँ ग्रुप का, जो कि गल्फ नौकरी के ग्रुप नाम से है, आप उसमें ऐड हो जाओगे और उसके एडमिन को आप मैसेज करके आप कोई भी जानकारी आप ले सकते हो इस जॉब के रिगार्डिंग, इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई परेशानी हो तो आप उसके इसके रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन आप वहां से पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके रिलेशन में या फिर आपके दोस्त अगर कोई आपको लग रहा है कि इसमें एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है, तो प्लीज आप उसे भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।